27 जुलाई 1953 में यह सावन आया था, उसके बाद 2024 में यह सावन आया। लोग तरसते हैं सावन के लिए कि इसमें हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, हमें इसमें बेलपत्र का पान करना है, इसमें हम जो मांगेंगे हमारा बाबा कृपा करने के लिए तत्पर रहता है। ये वो रुद्राक्ष का आनंद पाते। पर भाग्यशाली हो आप जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या भक्तों आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को ओपन करिए और सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करिए, जिससे कि आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकें। एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर रहे हैं, या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष है तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है, जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है। पर जो सावन ये आया है, इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते, प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध। इसी सावन में 4 मुखी 3 रुद्राक्ष, कितने 4 मुखी, कितने 3, 5 मुखी रुद्राक्ष 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष 3, इनके बीच में सवा सवा गांठ लगाई जाती है, मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है, फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर सवा सवा गांठ ऐसी चलती है। 9 रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल। अगर ये 9 रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर ये सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर 7 लोटा जल, 5 बार दूध और 2 बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मान, उस रुद्राक्ष का इतना महत्व। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च किया जा रहा है, वो दो कंपनी का नाम तो हमको स्मरण में था मुंबई की और एक दो कंपनी काशी की हमारे स्मरण में, पर नाम याद नहीं आ रहा। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि तांबे के कलश में गलाया और उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर आचमन किया तो फल मिल जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, श्रेष्ठता हो जाती है। शिव मंदिर में जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, और जलाधारी और शिवलिंग के यहां शिवलिंग से लेकर जहां से पानी नीचे गिर रहा है
आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहां से नीचे आ जाता है। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर देखिए और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहां से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। अब जरा किस्मत देखिए, आपका भाग्य देखिए रे छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतर वाले ना आप, कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया जो सोमवार से चालू हुआ, सोमवार को विराम हो रहा है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था और उसके बाद आज ये सावन 22 तारीख से चालू हुआ और 19 तारीख को विराम होगा और उसमें भी सोमवार से चालू हुआ और सोमवार को विराम हो रहा है। ये शिव भक्ति है, ये अविरल। आप और हम सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से ठीक शाम को 7 बजे 2 अगस्त को बैठेंगे और ऑनलाइन सब अपने अपने घर से पूजन करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे। आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर से एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ, और जब हम बाबा को रिझाएंगे। और ये इस सोमवार से सोमवार तक के सावन के महीने में 2 अगस्त को तो हम शिवरात्रि मनाएंगे और 17 अगस्त को सीहोर की कांवड़ भी बाबा की कृपा से सुबह 9 बजे भरेंगे प्रदोष के दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, पूरे 72 साल बाद ऐसा योग बन रहा है कि ये जो सावन का महीना है सोमवार के दिन ही शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन ही खत्म हो रहा है और इस सावन के महीने में पूरे 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो ये एक अद्भुत संयोग है। अगर आपके पास कुबेरेश्वर धाम सीहोर का रुद्राक्ष नहीं है, आप किसी कारणवश वह रुद्राक्ष नहीं लेकर आ पा रहे हैं, तो आप उसके जैसा ही रुद्राक्ष, उतना ही पावरफुल रुद्राक्ष इस सावन के महीने में अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1, 5 मुखी या 4 मुखी कोई भी आपके घर में रुद्राक्ष हो वो रुद्राक्ष लेना है और जैसा गुरुजी ने बताया है उसी तरीके के अनुसार रुद्राक्ष का अभिषेक पूजन करके रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना है और सिद्ध करने के बाद जो आपके घर में रुद्राक्ष होगा वो उतना ही पावरफुल होगा जितना कुबेरेश्वर धाम सीहोर से जो रुद्राक्ष मिलता है। रुद्राक्ष को शुद्ध करने के लिए आप चतुर्थी के दिन, एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन, किसी भी दिन आप ये पूजा कर सकते हैं, रुद्राक्ष को शुद्ध कर सकते हैं। और दूसरा, इस वीडियो में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है उन लोगों के लिए जो बीमार रहते हैं, जिनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो उस उपाय के लिए आपको अशोक सुंदरी का उपाय करना है, वो भी गुरुजी ने पूरा डिटेल में बताया है। तो उसके अनुसार अगर आप वो उपाय करते हैं तो आपकी बीमारी में भी आपको जल्द से जल्द दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगा। भक्तों, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने की। और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चैनल के ऊपर जाकर ज्वाइनिंग बटन पर जाकर आप हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।